नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। घड़ी में बजने वाले हैं 5 और वक्त हो गया है 5 की आंच का। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। थाने में सुंदरकांड के पाट पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। अब कांग्रेस भी पुलिस थानों में धार्मिक आयोजन करेगी। उधर उमंग सिंघार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी ने सिंघार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उधर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां महतारी वंदन योजना को लेकर राजनीति गरमा चुकी है। वित्त मंत्री और पूर्व सीएम में सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। बात होगी उत्तराखंड की, जहां कांवड़ियों को लेकर सरकार ने यूपी की तर्ज पर फैसला लिया। इसी के साथ ही बताएंगे आपको कैसे आज पूरी दुनिया ठप हो गई। रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ी है। इसके अलावा कुछ और खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। शुरू करते हैं 5 के आंच। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत के साथ, जो सुंदरकांड को लेकर गर्मा गई है। कांग्रेस ने थाने में हुए निजी कार्यक्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत भी की है और संबंधित थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है। तो कार्रवाई करते हुए टीआई को नोटिस भी जारी किया गया, जवाब मांगा गया है। यह मामला गुरुवार का है, जब कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए अशोका गार्डन थाने पहुंची थी और इस दौरान अशोका गार्डन थाने में हो रहा था सुंदरकांड का पाठ, जिस पर कांग्रेस को था एतराज। मध्य प्रदेश में सुंदरकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में कमिश्नर से मुलाकात की। कांग्रेस ने जब बीजेपी को थाने में सुंदरकांड की अनुमति मिल सकती है तो कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस हर थाने में धार्मिक आयोजन करेगी। कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें, सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो, सुंदरकांड करने की अनुमति। कांग्रेस की शिकायत पर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। कमिश्नर ने टीआई हेमंत श्रीवास्तव से आयोजन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। थाना स्तर पर उसमें एक अनुमति दी गई थी। समान तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोका थाने में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान थाने में सुंदरकांड का आयोजन चल रहा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को निजी आयोजन बताया था। कांग्रेस का कहना था कि थाने में निजी आयोजन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्रदेश में इसको लेकर सियासत गर्मा गई। अब कांग्रेस ने भी सभी थानों में धार्मिक आयोजन करने की अनुमति मांगी, जिस पर भोपाल कमिश्नर ने कहा कि थाने में निजी आयोजन नहीं हो सकते हैं। संबंधित TI से कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस बीच प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उमंग सिंघार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि विवाद हो, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ चुका है। फंस गए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। सिंघार बोले लोग चाहते हैं विवाद हो।
चाहते हैं कि विवाद प्रदर्शन की आड़ बिगाड़ रहे माहौल और कोई बड़ा विवाद चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। सिंघार का वीडियो क्या है मायने? वो चाहते हैं कि विवाद। अरे भाई तू क्यों चालू रगड़ा? नरसिंह के बहाने कई हैं निशाने। क्या कह गए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार? लोग चाहते हैं विवाद हो। जी हाँ, ये बयान है उमंग सिंघार का। अरे भाई तू क्यों चालू रगड़ा? दरअसल नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार साथी विधायक आतिफ अकील के कान में कह रहे थे कि विवाद हो ये लोग चाहते हैं। उमंग सिंघार का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यही कांग्रेस की हकीकत है। नरसिंह मामले को लेकर प्रदर्शन की आड़ में कांग्रेस माहौल खराब करना चाहती है, गदर करना चाहती है। अपन तो चाहते हैं कि विवाद हो जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के कान में बोल रहे हैं। सुंदरकांड का विरोध, विवाद की चाह, ये बता रहा है कि कांग्रेस कोई बड़ा गेम खेल रही है। कांग्रेस का असली चेहरा इस वीडियो से सामने आ गया है। अब इसको लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी के पेट में दर्द होता है, वो भोपाल में प्रदर्शन की घोषणा कर देते हैं, उमंग सिंघार आ धमकते हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह का बयान सुंदरकांड को आता है, ऐसा लगता है सब नेता एक दूसरे को घेरने में लगे, मुद्दों से भटकाने में लगे, निपटाने में लगे, और कोई बड़ा विवाद चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, गदर चाहते हैं, और एक दूसरे को निपटाने का और जो विवाद का खेल है वो इस वीडियो में सामने आया। वायरल वीडियो के बाद उमंग सिंघार मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। जो भारतीय जनता पार्टी करप्शन का दूसरा नाम है, जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और मध्य प्रदेश में उनकी नीति अलग है। यहाँ 266 कर्मचारी और अधिकारी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त के मुकदमे हैं। ये सरकार अनुमति नहीं दे रही है वो चलाने की। खैर, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुल मिलाकर उमंग सिंघार की वीडियो पर सियासी घमासान यहीं रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां सरकार की योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। दरअसल महतारी वंदन योजना के लाभ को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एक चैलेंज दिया है, जिसे भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया। महतारी वंदन योजना पर गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ में योजना पर सियासी चैलेंज। मंत्री जी की चुनौती, पूर्व सीएम ने की स्वीकार। योजना के लाभ पर सियासत हुई आर पार। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर अब सियासी पारा हाई हो गया है। कुछ दिन पहले मंत्री शिव डहरिया ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर सवाल खड़े किए थे और सूची जारी करने को कहा था, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनौती दी थी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लिखा था, भूपेश बघेल जी, आपने महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया था, 5 साल में 5 रुपए भी नहीं दिए। हम 70 लाख माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं,
तो आपको तकलीफ हो रही है, आपके या मेरे गांव चलिए माताओं बहनों से पूछ लेंगे कि पैसा आ रहा है या नहीं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कर दीजिए। उधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, मैं भूतपूर्व आईएएस की चुनौती स्वीकार करता हूं। भूतपूर्व आईएएस अपने क्षेत्र में जाना तो भूल गए हैं, रायगढ़ जाने से बेहतर होगा राजधानी के ही किसी भी वार्ड में चलकर देख लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर भूपेश बघेल की चुनौती पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि हिम्मत है तो सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाएं, आपकी सरकार में हुए तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। जो सचिव रही हैं सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए, इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है, इस पर बोलना चाहिए। महतारी वंदन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। महिलाओं को मिलने वाली राशि को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है और बीजेपी का अपना दावा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एक फैसले की, जिसको लेकर के सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कावड़ियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखना था। सियासी बयानबाजी से अलग मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिख रहा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है। आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को महराज चला रहे थे। जायका रेस्टोरेंट को तंजीम, इटालियन हट को नदीम चला रहा था। इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट्स अरशद अहमद, अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहा था। नाइस कन्फेक्शनरी जो बझेड़ी रोड पर है, इसे इसरार चला रहा था। गुडलक टी स्टॉल बझेड़ी रोड पर ही है, उसे शमशाद चला रहा था। तो इस तरह जो मुस्लिम दुकानदार थे, उनके दुकानों के नाम में भी अब इस बात को लेकर क्लैरिटी लाने के आदेश दिए गए हैं कि वो दुकानदार का नाम लिखे दुकान के नाम के साथ ही। ये 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम। अब इन्हें कह भी दिया गया है कि यहां पर अपना नाम मेंशन करना और जो असल में नाम है वो मेंशन करना जरूरी रहेगा। अब सवाल उठता है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर आखिर पहचान वाले आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों दुकानदारों से सरकार को कहना पड़ा कि भाई आप लोग अपनी अपनी दुकानों के सामने अपना नाम लगाइए, यानी कि नाम को साफ तरह से लिखिए? इसके पीछे की वजह भी समझना जरूरी है। असल में कई शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम दुकानदार खाने पीने की दुकानें चला रहे हैं, जिसकी वजह से कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति बनती है। इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, इसकी वास्तविक रिपोर्ट देखिए। कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। के मंत्री कहते हैं कि कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, लेकिन चलाने वाला मुसलमान निकलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे सहारनपुर के बेहट से आए इस केस स्टडी से समझिए। जूस की दुकान पर बोर्ड में नाम लिखा है आर्यन जूस कॉर्नर, ऊपर में जय माता शाकुम्बरी देवी और छिन्न देवी का नाम का नारा साफ साफ शब्दों में लिखा है। लेकिन इस जूस दुकान को चलाने वाले की पड़ताल की गई तो क्या निकला, अब जरा वो देखिए।
क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तोयब है। जय माता की कैसे लिखवा रखा? जय माता चिन्मस्ता देवी, जय माता सागमणि देवी। पहली नजर में इस जूस की दुकान को देखकर कोई भी ग्राहक यही समझेगा कि ये किसी हिंदू मालिक की दुकान है, लेकिन नाम की आड़ में भ्रम फैलाने की असल कहानी क्या है अब जरा वो देखिए। आर्यन जूस सेंटर कौन है? तो आपने कैसे लिखवाया? ये पंडित जी ने लिखवाया। पंडित जी कौन है? पंडित नाथीराम जी की मार्केट है जी। तो उन्होंने लिखवाया जी? जबरदस्ती लिखवाया? नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, आराम से लिखवाया। नहीं, DIG के पास जाएगी ना यहाँ आपकी? ये मतलब ये आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। सहारनपुर के बेहट में मौजूद ये जूस की दुकान कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आती है, जहां यूपी सरकार का आदेश लागू है, लेकिन हिंदू नाम की आड़ में पहचान छिपाने का ये खेल कैमरे पर खुल गया। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। आपने आर्यन फूड उस पे जय माता की और शाकुंभरी देवी लिखवा रखा है, ये आपको CM के आदेश पता है? नहीं सर, मुझे क्या आदेश? पता नहीं ना आपको? ठीक है, ओके। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश लागू हो गया है। यहां भी सरकार ने कावड़ रूट में आने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम लिखने के लिए कहा है। दुकान पर मालिक और उसके स्टाफ का नाम लिखना जरूरी है। बताया जा रहा है कि दुकान पर नाम लिखा है नहीं, इसका वेरिफिकेशन भी दुकानदारों को देना होगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में, जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे, और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा ऐसा। अब देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में, जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे, और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा ऐसा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच चुका है। कई देशों में न्यूज चैनल्स भी ऑफ एयर हो गए। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित होने की खबर मिली है। वहीं साइबर संकट की वजह का भी खुलासा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक ने अपनी गलती मानी है, जिसका कहना है कि क्राउड स्ट्राइक को एक एंटीवायरस अपडेट करना था जो कंपनी समय पर नहीं कर पाई, जिसके चलते दुनिया भर को इस IT संकट का सामना करना पड़ा है। और चलिए अब आपको बताते हैं सर्वर ठप होने से कहां कहां क्या क्या परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। दुबई एयरपोर्ट पर लोग चेक इन नहीं कर पा रहे थे, चेक इन करने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया में भी हालात बिगड़ गए थे। इजराइल के हॉस्पिटलों में हालात बिगड़ते हुए नजर आए, तो वहीं भारत के कई एयरपोर्ट पर तकनीकी परेशानियां देखने को मिली है। वहीं ब्रिटेन के स्काई न्यूज चैनल पर प्रसारण भी बंद हो गया था, चैनल ऑफ एयर हो गया था। और भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत तमाम शहरों में हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल में मैनुअल चेक इन की जा रही थी। चेन्नई एयरपोर्ट में 20 से ज्यादा उड़ान देरी से चल रही हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर एक घंटे में सर्विस ठप हो गई। इस पूरे सर्वर संकट पर भारत की नजर। IT मंत्रालय के अधिकारियों ने DGCA से बात की है। सर्वर संकट को लेकर IT मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।